हैप्पी एनिवर्सरी माँ पापा, आज 7 दिसंबर है और आज मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो मुझे लगा क्यों ना मैं इसी पे उनको विश कर दूँ। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? राधे राधे। और अभी आज मेरे बेटे का बर्थडे है, आज है 5 तारीख, तो ये वीडियो 5 तारीख का है और मैं आज ये बना रही हूँ दाल मखनी और बटर नान। तो मैं बस दाल मखनी की तैयारी कर रही हूँ, बॉईल करके रखा हुआ है मैंने दाल को, और मैं डिटेल में इसलिए नहीं दिखा रही कि इसकी वीडियो में मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ बटर नान और दाल मखनी की। तो यहाँ पे मैंने जीरा और तेज़पत्र डाल दिया है और ये प्याज कट करके रखा हुआ था ये मैं डाल दे रही हूँ इधर। तो इसको हम पहले भून लेते हैं अच्छा सुनहरा होने तक, और इसको भूनने के बाद मैं फिर इसमें बाकी मसाले, इसमें मतलब ज़्यादा हम इसको तीखा नहीं बनाते हैं, तो इसको भूनने के बाद मैं और मसाले ऐड करूँगी। तो आज ये दोपहर का ही टाइम है, बच्चे अभी स्कूल से आए नहीं हैं, मैंने सोचा ये तैयार करके रख देती हूँ खाना, फिर बच्चे आएंगे तो सुबह तो मैंने उनके लिए जो बोला था बच्चे ने वही बना के रख दिया था, मतलब आलू का पराठा ही ले गए थे और क्या बताऊँ, आलू का पराठा बनाया था तो वही रख दिया था। तो मैंने कहा जब तक आएंगे तब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे टमाटर डाल दिए हैं और हल्दी डाली है और धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। तो इसमें मैं जो कश्मीरी लाल मिर्च जो कलर वाली होती है वो मैं बाद में डालूँगी, ऊपर से जो छौंक लगाते हैं तब, तो इसको भी भून लेते हैं अच्छे से, मसाले को पका लेते हैं, क्योंकि कच्चा जब मसाला रह जाता है तो वो दाल सब्जी में टेस्ट वो वाला नहीं आ पाता अच्छा। तो इसको हम ढक देते हैं, ढक के इसको जब तक ऑयल ना छोड़ दे तब तक पकाएंगे। तो वो सब हो गया था, मैंने यहाँ पे दाल और राजमा बॉईल करके रखे हुए थे, तो इसमें मैंने एक कटोरी उड़द की काली दाल ली थी साबुत वाली और एक मुट्ठी इसमें डाला था मैंने राजमा। तो इनको गला के और फिर बॉईल करके मैंने ऐसे ही रख दिया था, सिर्फ नमक डाल के बॉईल किया था। और यहाँ पे हम इसे डाल देते हैं, बाकी इसमें मैंने जो क्रीम वगैरह डिटेल में नहीं दिखाया, सब कुछ डाल के। और यहाँ पे हल्की सी मैंने डेकोरेट नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि पता है मैं अकेली हूँ और ये भी काम से थे, बच्चे भी नहीं थे, बस कृष्णा थोड़ा सा मेरी हेल्प कराई थी इसने, ज़्यादा कुछ नहीं किया, बैलून वगैरह ही लगाए हैं, वगैरह का बैलून ही लगाए हैं बस, और बाकी कुछ नहीं। तो चलिए एडजस्ट कर लेना, ज़्यादा मैंने डेकोरेट नहीं किया है, मेरे पे टाइम कम था क्योंकि इधर मम्मी की तबीयत भी ख़राब है, उनको भी हॉस्पिटल लेके गई थी। तो फिर ये यहाँ पे शाम का टाइम है और कृष्णा राघव का हो रहा है टीका, तो मम्मी कर रही है यहाँ पे उसका पूजा, घर में है ये, और ये ऐसे करके बैठ गया था। तो भाई इसकी यहाँ पे अभी कोई बहन तो फ़िलहाल है नहीं और ना ही कोई आ पाती इस टाइम एकदम से, क्योंकि टेस्ट वगैरह चल रहे हैं बच्चों के। करें हम लोग ही कर देते हैं इसका टीका वगैरह, तो यहाँ पे इसको मैंने पूरा गुलाब जामुन खिला दिया था और फिर पैर इसने छुए नहीं थी, तो मैंने कहा बेटा बैठ तो जा, भाग भाग के जा रहा था क्योंकि इसके दोस्त आ चुके थे उस टाइम तक, भाग भाग के भाग जा रहा था, मैंने कहा बैठ जा थोड़ी देर, पैर वैर तो छू लो। तो अम्मा बोली इसकी कि भगवान जी के तो पैर छू ले कम से कम उसको जल्दी हो रही थी भाई कि जब बच्चे को दोस्त आ जाते ना फिर नहीं उन्हें कुछ अच्छा लगता, तो बस यहाँ पे उसने फटाक से मम्मी के पैर छू लिए, इतनी जल्दी करी उसने कि बिल्कुल भी ढंग से छूए, बहुत मस्ती करता है ये। तो फिर ये है केक, तैयारी हो रही है यहाँ पे केक की। तो ये बच्चे आ चुके हैं, राघव के दोस्त हैं, बाकी हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया था, जैसा कि मुझे मैंने आपको बताया मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डेली उनको लेके जाना पड़ता है बोतल वगैरह लगाने के लिए, बोतल लग रही है उनके, ड्रिप चढ़ रही है तो बहुत बिजी हो जाती हूँ मैं।
तो यहाँ पे केक कट हो चुका था और मैं यहाँ पे पर्दा की हूँ क्योंकि पापा जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे राघव को लग रहा था कि मैं क्या किसको खिलाऊं पहले। हाँ तो यहाँ ना मैं बाद में जब वीडियो तैयार कर रही थी तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, ये दोनों बाल संभाल रहे हैं अपना, इसमें इनको पता ही नहीं था कुछ ये बच्चों के दोस्त। और हम यहाँ पे बच्चों का चल रहा है खाना। खाना क्या मतलब, मैंने खाना इसलिए नहीं दिया बनवाया था क्योंकि बच्चे खाते नहीं है शौक से, और इन चीज़ों को बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो ऐसी चीज़ फास्ट फूड जो होते हैं बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो कृष्णा बोला मम्मा यही कर देना, ये बच्चे पसंद भी करते, नहीं तो मैं हमेशा खाना बनाती थी तो बच्चे बहुत बिगाड़ते भी थे, कोई खाता भी नहीं था। और ये चीज़ बड़े प्यार से इन लोगों ने खाया। यहाँ ना ये आप देख रहे होंगे सोफे के पास बैठी है गुड़िया, बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही थी, इसने तो सच में मतलब पार्टी का मज़ा दोगुना कर दिया, इतनी इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है आके, और बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब इसने जब से आई तब तक हंसाती ही रही, हंसाती ही रही बहुत अच्छी से, और बार बार इसकी पैंट खिसक रही थी, मुझे आंटी मेरी पैंट खिसक रही है। कुछ भी नहीं करता खाना भी नहीं खपता, पानी भी नहीं खपता, नहीं पानी नहीं पानी 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 आ रहा है क्या, नहीं आ रही है, मैं आप लोगों को भी इसकी बातें सुनवाऊंगी, मुझे लग रहा था मैं आप लोगों से भी मिल रहा हूँ इसको। नाम क्या है बिट्टू? जोर से बोलो पूर्वी। तो मेहंदी क्यों नहीं लगा के आई? हाँ आती नहीं मेहंदी लगाना है सच्ची। अच्छा खाना खाया तुमने? क्या क्या खाया बताओ। मैंने टॉमी टॉमी अच्छा, और सॉस राइटी उधर देखो, और मैंने पेस्टी पेस्टीज अच्छा, और केक केक, और मैंने हाँ खाया था और वो नहीं खाया। वो गोल गोल क्या होता है? गोल गोल लड्डू। लड्डू लड्डू नहीं, गुलाब जामुन खाया था कि नहीं खाया था? रसगुल्ला खाया था है? अच्छा और अच्छा इनको कुछ बोल दो, कुछ पोएम सुना दो इनको। हाथी राधा बहुत बड़े कुश्ती बेटो वाली ऊपर पंखा ऊपर पंखा चढ़ता है हाँ। नीचे बीबी सोता है सोके सोके भूख दी आधे बेटा मूफी मूफी डालना नहीं हम तुम्हारे नाना नहीं, हम तो हमें नाना नहीं नाना दे एक बिल्ली है ना एक बिल्ली नाना बिल्ली नाना दे दीदी माँ से आए एक बिल्ली, माँ से लाए एक बिल्ली, दो नहीं तुम्हारा मुँह कैसा है? छोटा है कि बड़ा है? सोता है। सोता है, कुछ भी नहीं खा पाई है ना? गोल मटोल है मेरा मुँह, गोल मटोल भी है और छोटा भी है। अब सबको हाय बोल दो, सबको हाय 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 कि आपको मेरी बातें कैसी लगी? आपको मेरी बातें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाय बाय कर दे। इसने मेरी सच्ची में पार्टी में आके ना चार चांद लगा दिए, बहुत ही क्यूट सी बेबी है। आप बाय कर दो, बाय। तो बच्चे जा चुके हैं और अभी मैंने खाना बनाया नहीं है क्योंकि अभी मतलब दाल तो मैंने बना के रख दी थी, बस अभी नान सेकना बाकी रह गया है। तो मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए केक,
आप लोग भी खा लीजिए। और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है जो आप लोगों को पसंद थी, ये वाली, ये इसके साथ का ब्लाउज़ है और ये वाली साड़ी। बताना कैसी लग रही है पहन के। तो चलिए अभी रोटियां सेकना बाकी है, तो पहले मैं केक खा लेती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए, फिर उसके बाद सेकेंगे रोटियां। मिलती हूँ थोड़ी देर में अभी आप लोगों से। तो बच्चे वगैरह जा चुके थे, फिर बस मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो दाल तो मैं बना के रख दी थी पहले ही, इसमें मैंने ऊपर से छौंक नहीं लगाया था, जैसे मैंने कहा ये फिर से मुझे गर्म करनी पड़ेगी तो तभी मैं लगा दूँगी। तो इधर दाल को भी हमें गर्म करके, इधर मैंने एक साइड मक्खन डाला है इसमें ऊपर से छौंक लगाने के लिए। सके मैंने आपको बताया था कि जो कश्मीरी लाल मिर्च है मैं अभी इस टाइम डालूँगी इसमें, और दाल बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही अच्छी। तो यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी क्या, मुझे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, मैंने आधी सी चम्मच डालना था, थोड़ा उससे ज़्यादा डल गई, तो इसके ऊपर से मैं डाल दूँगी, इससे दाल का जो कलर है ना बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए ऊपर से ऐसे डाल, थोड़ी सी आपको ज़्यादा लग रही है ना, थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई थी, बट मिल के तो फिर जैसे सब्जी दाल को मिक्स करके फिर ठीक लग रही थी। ऊपर से मैंने धनिया डाल दिया है इस पर और बस दाल है रेडी। अब मैं सबको दूँगी खाना, कि 9:30 करीब बज गए थे, 9:30 से ज़्यादा ही हो रहा था टाइम। तो फिर मैंने ट्राईपॉड पे फ़ोन नहीं लगाया था, मेरा मन नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी। तो यहाँ पे ये फ़ोन ना इनके हाथ में लग रहा है, तो मैं यहाँ नान सेक रही हूँ और सब लोग बैठे हैं खाने के लिए। तो इनको मैंने फ़ोन पकड़ा दिया था, मैंने कहा आप देख लो थोड़ा सा, तो इन्होंने ही ले लिया था, यही वीडियो बना रहे हैं इस टाइम। तो ये मैंने देखिए रोटी को लिया और थोड़ा सा इसको मैंने खींच के डाला है इस तरह से, क्योंकि ये डालते ना तो सिकुड़ जाती है ऐसे, तो इसको ऐसे थोड़ा खींच के डालना चाहिए। तो बस देख रहे हो आप यहाँ पे बबल बबल हो रहे हैं, बहुत ही अच्छी रोटी बनी थी एकदम से, आटा भी परफेक्ट लगा था बिल्कुल, ये देखिए। और मैं नॉनस्टिक पैन पे ही बना रही हूँ इसको, ऐसे बबल बबल होने लगे हैं, और इसको बस उल्टा करके हम लोग हम सेक लेंगे इसे घुमाते हुए तवे को, क्योंकि एक साइड रखेंगे तो तवा जल जाएगा। और वैसे भी मैं ऑलरेडी इसकी वीडियो डाल चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। यहाँ पे रोटी बन चुकी है, ये देखिए थोड़ी सी और सेकनी है मुझे, और मैं मक्खन ना इसी पे ही लगा देती हूँ, बहुत इजी रहता है बार बार, मतलब ऐसा नहीं हाथ पे लेके, तो ऐसे ही लगा दो मक्खन, बहुत ईजी रहता है। टिक्की ली और ऐसे ही लगा दी, और बस इसको निकाल लेते हैं तवे पे से। देखिए कितनी अच्छी, नीचे से भी अच्छी सिक गई है बहुत, ये देखिए कितना अच्छा नीचे से भी सिक चुकी है, ऊपर से भी सिक चुकी है। अब वो है रेडी खाने के लिए प्लेट, तो ये लग चुकी है प्लेट, आप लोग भी खा लीजिए। ये जो कल बनाए थे गुलाब जामुन और गाजर का हलवा, रोटी और सैलेड में खीरा और मूली खाने का इस टाइम तो मन भी नहीं था, रात हो चुकी थी इसलिए। ये राघव का फोटो है, बड़ी मुश्किल से ये खिंचवाया इसने, और ये मेरी मम्मी और मैं हूँ, और ये मेरी दीदी है पापा के साथ में, ये 40 साल पुराना फ़ोटो है, और आज इसकी भी एनिवर्सरी थी 7 तारीख की आज, पर क्या करें ये आज है ही नहीं इस दुनिया में। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।